कोरोना के रोकथाम के लिए जहां एक और हम बात कर रहे हैं कि इसकी वैक्सीन कब आएगी या कई उपाय हम यहां पर देखते हैं, ऐसे में ही कोरोना से बचाव के लिए जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं या अपने घर परिवार की हम बात करते हैं, वहां पर जल नीति ये एक ऐसा उपाय है जिस पर बात की जा सकती है और जिसे अपनाया जा सकता है। क्या है ये जल नीति, आइए आज के हमारे जो मेहमान है नयन पंड्या, इनसे हम जानते हैं कि जल नीति क्या है और इसे किस तरह से उपयोग में लाया जाता है। सारा देश इस वक्त कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है, सब अपने अपने तरह से इस लड़ाई से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो कुछ ऐसे अगर प्रिकॉशंस हम पहले लें कि इस महामारी से जूझने से पहले अगर हम अपने आप को तैयार कर सके, अपने आप की हमारी इम्यून सिस्टम को अगर हम सही कर सके, तो इसके लिए क्या क्या सुविधा है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास में उपलब्ध हो सकती है, ऐसी एक कोशिश के लिए जिसे हम जल नीति कहते हैं, जल नीति के बारे में जानकारी देने के साथ में आज हमारे पास में हमारे मेहमान हैं नयन पंडा जी। मैं इनका स्वागत करता हूँ। नयन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी जर्नी और आपने जल नीति जो है ये क्या है। ओके, मेरा नाम नयन पंड्या है, मैं बड़ौदा से हूँ, वडोदरा से। और जैसे ये कोविड का महामारी शुरू हुआ था और हमने थोड़ा उसका अभ्यास किया और हमको लगा कि ये तो फैलने वाला है, और जिस स्पीड से ये यूरोप में फैल रहा था, शुरू में हमारे इधर स्पीड कम था, लेकिन हमारा पॉपुलेशन देख के हमको थोड़ा सा एस्टिमेशन हो गया था कि भाई अपने इधर भी इसका स्पीड में फैलावा हो जाएगा, यानी बहुत स्प्रेड करेगा ये। इसलिए हमने अप्रैल महीने से ही हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे कंपनी में करीब 400 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्लान बनाए थे। प्लान बहुत सिंपल था, तो बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र ये वो, उससे अच्छा है हमने सोचा कि ये कहाँ पर होता है, तो बेसिकली कोरोना यहाँ पर होता है। कोविड का पहला इंस्पेक्शन नाक में लगता है, कहीं हाथ से और कान से होता नहीं है, और हम लोग सांस बंद नहीं कर सकते। खाना दिन में 2 बार खा लें, 3 बार खा लें, तो उससे थोड़ा सा 1% हो सकता है, लेकिन जो भी होता है ब्रीदिंग से, सांस लेने से होता है। तो हमने दो चीज़ का हमने ठान लिया कि भाई हमारे किसी एम्प्लॉयज़ को कोविड नहीं होने देंगे, बराबर। ड्राइवर हो, वॉचमैन हो, स्वीपर हो, प्यून हो, और हमारे ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सभी स्टाफ मेंबर्स के लिए। तो हमने दो चीज़ डिफाइन किया कि एक सूंठी होता है, जैसे वो जिंजर पाउडर होता है ड्राई, वो जिंजर पाउडर सबको दिन में 2 बार हमारा प्यून सुबह 9:30 बजे और दोपहर को चाय से पहले आधे घंटे पहले दे देता है। इतना आधा चम्मच सूंठी जबान के ऊपर रख के उसको भूल जाना है 15 मिनट के लिए, उसको मेल्ट नहीं करना है, वो अपने आप 15-20 मिनट के बाद में एकदम गर्म पकड़ लेता है और उसका ड्रिप बाय ड्रिप थ्रोट के अंदर से जाता है, वो जहाँ जाता है वो ट्रैक साफ कर देता है पूरा। उसके 10 मिनट बाद चाय के जितना गर्म पानी, मतलब लूकवार्म से थोड़ा सा ज़्यादा, जितना गर्म पी सकते हैं उतना पी लेना चाहिए, तो वो जो सूंठी का पानी गया है उसके पीछे गर्म पानी जाने से पूरा ट्रैक साफ हो जाता है। ये एक प्रयोग था जो बहुत सक्सेसफुल रहा और फिर भी बढ़ रहा था, तो हमने फिर दूसरा अध्ययन किया, तो उसमें बीच में मंगेशकर हॉस्पिटल से, पूना से एक वीडियो आया, और भी कुछ वीडियो आए जल नीति का जो एडवांटेज था जी। उसके भी दौरान आपको याद होगा कि सब्जियों को साफ़ करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा यूज़ करते थे जी। और जो नसल ट्रैक्स के अंदर जो कॉम्बिनेशन आता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, वो भी कुछ नहीं है, सोडा है। तो हमने फिर अप्रैल के एंड में ये डिवाइस जल नीति हमने ऑन कर लिया था। शुरू में मैंने किया, फिर मेरे फैमिली ने किया, फिर हमने हमारे सारे सीनियर मैनेजमेंट्स को इसको सिखाया, सीनियर मैनेजमेंट ने अपने जूनियर मैनेजमेंट को, और फिर लास्ट तक हम लोग पहुंच गए। और इस तरह के हज़ारों पॉट हम लोग ने बनवा के कंपनी में, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, हमारे कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, है ना। तो इससे एक अवेयरनेस बढ़ गया। अब इसका मैं प्रयोग करके आपको दिखाऊंगा, बड़ा आसान तरीका है, सिर्फ 5 मिनट लगता है। हम उसका डेमोंस्ट्रेशन भी, हाँ, वो डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे। आपने जब ये करके देखा है, हाँ, तो इसके परिणाम आपको कैसे? परिणाम ऐसा है कि जैसे ये जल नीति करने से पहले मैंने किया, कोरोना के बाद किया, पहले भी करना चाहिए था जी। तो इसका परिणाम ये है कि हमारे दोनों साइड के नाक ऑलमोस्ट हमेशा, इवन सुबह उठने के टाइम पे खुले रहते हैं, जो पहले नहीं रहते थे। और दोनों ट्रैक, यानी हमारी नाड़ी होती है सुषुम्ना एंड वो, तो दोनों नाड़ी खुल जाती है, पूरे दिन खुली रहती है। और जितना हम इसको, अब ऐसा है कि आप, आपके पास दो तरीके हैं कि मुझे नहीं होगा कोरोना, कोविड नहीं होगा, ये सोच के आप घूमते रहो जी। और जिस दिन ओवर कॉन्फिडेंस में रहो या कॉन्फिडेंस में रहो जी। तो होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अगर आप ये सोच लेते हो कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे थोड़ा सा तो लग ही जाता है जी। उस सोच के साथ चलोगे और उसका रोज सफाई करोगे जी। तो उससे आप और आपकी फैमिली सब सेफ रहेंगे। इससे दूसरा बड़ा क्या है कि एक बार हो जाता है ना, तो इसका डर बहुत बड़ा है, मार्केट में डर है, डॉक्टर क्या करेगा, फैमिली पूरी इधर उधर हो जाएगी, कोई एक हॉस्पिटल में, कोई दूसरे हॉस्पिटल में, और उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। ये सब जो है, ये 100 रुपये का भी खर्चा नहीं है इसके अंदर, रोज का है। इतना नमक, इतना बेकिंग सोडा, 100 रुपये का जल नीति का पॉट,
सुबह गर्म पानी, उसके अलावा कुछ एकदम आसानी से आप इसमें रोज, आप हम लोग रोज खाना खाते हैं और रोज पेट साफ करते हैं, ये बिल्कुल ऐसा है, रोज सांस लेते हो और एक सांस लिया तो एक सांस निकालना पड़ता है आपको, उसी तरह के अंदर में लेंगे उसको निकालना है तो उस वो एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट है, 95% 98% कोविड यहाँ होता है, स्वैब भी लिया जाता है यहीं से लिया जाता है बराबर, तो उस ट्रैक को रोज साफ रखेंगे, दिन में एक बार दो बार, स्पेशली जो हमारे भाई लोग हैं जो पब्लिक प्लेसेस में रहते हैं, आप लोग हैं मीडिया वाले पुलिस वाले हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं हमने ये करने के बाद देखा कि हम लोग तो सब सेफ़ हो गए, हमारे एम्प्लॉयज़ भी सेफ़ हो गए, इसका अवेयरनेस बढ़ता गया और अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग इसके ऊपर इसका विश्वास करते हैं और इसको चालू कर दिया इन लोगों। बिल्कुल, हम भी देखना चाहेंगे, अब हमारी भी उत्सुकता इस वक्त बढ़ गई है, हम भी देखना चाहेंगे जल नीति किस प्रकार से काम करती है, इसका प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन हम देखते हैं नयन जी के साथ में। आइए, थैंक यू। ये जल नीति का प्रयोग बड़ा आसान है, जैसे आप नींद से उठते हैं, आपने ब्रश वगैरह कर लिया, उसके बाद में आपको पानी थोड़ा गर्म कर लेना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि रात को वो पानी पूरा उबाल के रख देना चाहिए, सुबह ठंडा हो जाएगा, उसको थोड़ा सा लूप वार्म कर देना चाहिए, जितना आपके नाक के ट्रैक में आप सहन कर सकते हैं, और उतना पानी लेके, मैं अभी गर्म नहीं कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा गर्म पानी लेके इतना पॉट भर सकते हैं, उसमें डालने से पहले दो चीज़ डालना है आपको, एक तो सिंपल नमक या सिंधव नमक, मैं सिंधव नमक प्रेफर करता हूँ, तो इतना सिंधव नमक आपको लेना है, एक हाफ चम्मच के बराबर, उसके अंदर बेकिंग सोडा, वो खाने का सोडा हम लोग घर में घर घर में होता है, हमेशा होता है, तो बेकिंग सोडा आपको इतना आधा चम्मच जैसा डाल देना है उसके अंदर पानी में, एक व्यक्ति के लिए। ये पॉट हर एक का अलग होना चाहिए, घर का कॉमन यूज़ नहीं करना है, एवरी वन नीड्स सेपरेट। अगर आपके पांच व्यक्ति हैं तो आपको पांच पॉट आपको रखने हैं, है ना, इसमें आप पानी मिला दीजिए, वो जो आपने थोड़ा सा लूप ऑन किया है, तो हम लोग तीन चीज़ हमको साफ़ करना है, एक नसल ट्रैक, गला, थ्रोट, हाँ, और आपके लंग्स। नसल ट्रैक 95%, दो तीन परसेंट ये दो साफ़ रहा तो लंग्स तक इन्फेक्शन जाने का पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाता है। आपने जो ये मिलाया है इसको आप हिला सकते हैं, हिला लीजिए, और हम लोग जो बोलते हैं कि कान नाक और गला जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, हाँ लेकिन वो ENT की बात है, हमको कोरोना के लिए जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको साफ रखना है, बराबर, कान से उसका थोड़ा कम लेना देना है। तो हमने ये पानी इसमें भर लिया, अब सांस को अंदर लेके एक बार कंफर्टेबल हो जाए, मुँह से सांस चलता रहेगा, खुला रहेगा, उसको बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना है कि जब आप इसका नीति कर रहे हैं तब आपको सांस अंदर नहीं लेना है, नहीं तो वो नाक में से जो पानी है ऊपर के ट्रैक में जा सकता है, ये प्रिकॉशन बस सांस नहीं लेना है, आप मुंह से सांस लेते रहें और आपका ये जल नीति करते रहें। मैं एक सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दूंगा आपको, इसको नाक में, ये बिल्कुल नाक के शेप से बना हुआ है, नाक में अंदर डाल के आपके मुँह को 1, 2, 3 यानी 45 डिग्रीज पे थोड़ा सा नीचे करना है और बड़े आसानी से ये बाहर निकल आता है पानी। उसी तरह दूसरे ओर से, जब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो मुंह खुला रख दो, मुंह से सांस लेते रहो। अब ये जो इसमें से थोड़ा पानी अंदर ट्रैक में रहने वाला है उसको निकाल देना बहुत जरूरी है। मैं इस तरफ जाता हूँ और एक भस्त्री का प्राणायाम बताते हैं इसको, भस्त्री का 11 बार आपको मुंह से सांस अंदर लेनी है और जोर से इसको बाहर निकालना है, तो बहुत सारे छींटे बाहर पड़ेंगे, इसलिए इसको बाथरूम में करना जरूरी है। आप फील करेंगे कि हजारों छींटे बाहर निकल गए, इसका कारण यह है
बेकिंग सोडा से कोरोना का जो वायरस है उसका जो आउटर लेयर फैट का बना हुआ है वो टूट जाता है, इमीडिएट टूट जाता है। आप जो सैनिटाइज करते हो 10 सेकंड में टूट जाता है वो, और अंदर एक बार फैट का लेयर टूट गया उसके बाद में वायरस मर जाता है, और जो मरा हुआ सब अंदर है उसको बाहर निकाल देना है, प्लस वो ट्रैक में पानी नहीं रखना है आपको। बस इतना आसान है ये कि आपका हमारा जलनीति हो गया, 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट का, और उसके बाद अब आपका ट्रैक एकदम साफ़ हो चुका है। तो जैसे हम लोग सुबह उठ के हेल्दी चीज़ खाते हैं उसी तरह हमने ट्रैक साफ़ किया है। मैं हमेशा इतना गाय का घी साथ में रखता हूँ, गाय का घी आप पतली वाली उंगली लास्ट वाली उंगली साफ करके एक छोटा सा बूंद जैसा लेके नाक के इस दोनों साइड के लेयर पे आप आउटर अंदर लेकिन उस तरफ बराबर इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, उसके बाद आप उसको अंदर फैला दो इस तरह से, और उस टाइम पे अंदर सांस लीजिए। तो गाय के घी में बहुत ताकत है, हम सब जानते हैं गाय की हर चीज़ में ताकत है, गौमूत्र में भी ताकत है। तो इसका जो स्मेल हमने लिया ये पूरे हमारे लंग्स तक चला गया, और मेरा ये देखना है 1000-2000 लोगों को जिसको भी हमने बताया है, ऑल आर सेफ एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी सेफ विथ वेरी सिंपल सिस्टम, एंड दिस स्पॉट्स आर नॉट ईजीली अवेलेबल नाउ बट आई एम फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटिंग देम फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ़ यू वॉन्ट अस टू सेंड सम 100, 500, 1000 पॉट्स प्लीज सेंड अस अ नंबर, वी विल डिस्ट्रीब्यूट। हमारे साथ में नयन जी थे जिन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से हमें बताया कि किस तरह से जल नीति जो है इसका प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन अभी हमने देखा, और ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए कोरोना से हम सब डर तो रहे हैं लेकिन इसे लड़ना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर ये छोटा सा प्रिकॉशन या छोटी सी ये जो प्रैक्टिस है, ये छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन अगर अपने हम घरों में करते हैं तो सारा परिवार को हम कहीं ना कहीं इससे ज़रूर दूर रख सकते हैं। तो जी 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 बिल्कुल, जो हमने नेसल किया ना वही गर्म पानी सोडा और नमक वाला है उससे गार्गलिंग कर लेना है। तो नीति खत्म होने के बाद इमीडिएट, मैं थोड़ा भूल गया था जी, नीति के बाद आप गार्गलिंग कर लो, नहीं गार्गलिंग बताने की जरूरत, सबको आता है गार्गलिंग गर्म पानी का जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें लेके आपको गले में गार्गलिंग करके वो पानी निकाल दो, और इतना होने के बाद में आपके पास वो वेपराइजर होता है पानी का इतना सा, उससे आप नास यानी स्टीम ले लीजिए, नास से ये लंग्स तक पहुँच जाएगा। मैं हमारे बाथरूम में लेआउट में ये सब एक लाइन में रहता है, नमक सोडा हल्दी और वो जिंजर पाउडर, उसके बाद में जलनेति गाय का घी, और गाय का घी लगाने के बाद आप स्टीम ले लीजिए, तो स्टीम लेने के बाद पूरे लंग्स में हमारा ये गाय का घी फैल जाता है, और गर्म स्टीम लेने से सारा ट्रैक्स खुला रहता है। तो ये अभी हमारे सब जीने का एक हिस्सा, अनिवार्य हिस्सा, रोज बना लेना चाहिए, बिल्कुल बना जब तक वैक्सीन नहीं आता है, और शायद वैक्सीन आए मिले उसका इफेक्टिवनेस, तो इससे हम लोगों को जैसे आपने शुरू में बताया प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर, तो रोज का प्रिवेंशन रोज करना चाहिए। तो ये हमारे साथ में नयन पंडा जी थे जिन्होंने हमारे पास में यहाँ पर नागपुर में उनकी विजिट है, और विजिट में इन्होंने सभी को ये बताया कि किस तरह से जल नीति का अगर हम अभ्यास करते हैं तो कितना आसान हो जाएगा कोरोना से लड़ना। ये प्रिकॉशन जैसा मैंने पहले भी कहा था और नयन जी ने भी कहा कि प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये छोटा सा प्रिकॉशन कहीं ना कहीं हमें परिवार को, जहाँ परिवार सुरक्षित होगा वहाँ पर समाज सुरक्षित होगा, समाज के साथ में शहर सुरक्षित होगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार मोहड़ के साथ में रत्नाकर की रिपोर्ट, इनबीसी न्यूज़ के लिए।